हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बहुत दिन में वीडियो बन रही है, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटरलॉकिंग का एस्टीमेट कैसे बनाया जाता है। तो आज डिटेल में बात करेंगे, और आज हम बात करेंगे 1000 स्क्वायर मीटर अगर हमें कहीं इंटरलॉक लगानी है तो उसका एस्टीमेट कैसे बनाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको फ्रंट पेज ये दिख रहा होगा, फ्रंट पेज में हमने सबसे पहले ये ग्राम पंचायत का नाम, ये तो सब ऑटोफिल आपको मिलेंगे, ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP और विस्तृत प्राकलन योजना का नाम डाल दोगे और ग्राम पंचायत का नाम आप यहाँ पर लिख दोगे। जैसे कि हम सपोज़ करो यहाँ पर लिखना है हमें देवली किसी गांव का नाम है, ठीक है। उसके बाद विकास खंड यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हो, विकास खंड आप डाल सकते हो जैसे सिकंदराबाद डैश, और जो जनपद होगा वो होगा हमारा बुलंद शहर, ठीक है। इस तरीके से आप डाल सकते हो कार्य का नाम, जैसे कि ग्राम देवली में मनोज के घर से रामपाल के घर तक इंटर लॉकिंग निर्माण कर, ठीक है। ये कुछ यहाँ मिस्टेक हो गई है इंटरलॉकिंग लिखने में, यहाँ हम इसे सही कर लेते हैं, ठीक है। इंटर लॉकिंग निर्माण कार्य, इंटरलॉकिंग टाइल्स निर्माण कार्य भी लिख सकते हो, इंटरलॉकिंग टाइल्स व नाली निर्माण कार्य भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल हमने लिखी दिया 1000 वर्ग मीटर, मतलब 1000 स्क्वायर मीटर, और वर्ष लिख सकते हो यहाँ पर, अनुमानित लागत आ जाएगी अभी जब हम बनाएंगे इसका एस्टीमेट। उसके बाद यहाँ ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान के जो सिग्नेचर होंगे वो हो जाएंगे, सचिव के और सहायक विकास अधिकारी के हो जाएंगे, और यहाँ पर अभर अभियंता जो JEE होगा उसके सिग्नेचर हो जाएंगे। उसके बाद आपको रिपोर्ट बनानी होती है, अर्धवर्ग के एनालिसिस बनानी होगी, RMR बनानी होगी, और GSB के एनालिसिस जो होगी, और किसी को GSB की या किसी भी एनालिसिस को अगर आपको बनानी हो या सीखनी हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डिटेल ऑफ मेज़रमेंट, इसकी डिटेल ऑफ मेज़रमेंट कैसे बना है। तो आज हम 1000 स्क्वायर मीटर किसी का एस्टीमेट बनाना है, तो मैंने सोचा कि आपको भी मैं क्यों ना बता दूँ कि 1000 स्क्वायर मीटर के टाइल का एरिया कैसे बनाते हैं। अगर सपोज़ करो वहाँ पर पहले से खड़ंजा या पड़ंजा लगा हुआ है तो उसको अगर हम उखाड़ेंगे तो ये वाला आइटम देंगे, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं देंगे। तो हम इस आइटम को नहीं देने वाले हैं, तो इस आइटम को हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से तो हमें वहाँ क्या देना है, मिट्टी। मिट्टी देने के लिए अगर आपको मिट्टी भी नहीं देनी है तो मिट्टी भी नहीं दे सकते हो, आप इसे ज़ीरो कर सकते हो। जैसे सपोज़ करो हमें यहाँ पर मिट्टी भी अगर देनी हो तो हमें क्या करना होगा, मिट्टी देने के लिए हमें जैसे सपोज़ करो हमारा एक 1000 स्क्वायर मीटर का एरिया है, तो यहाँ पर हम डिवाइड कर लेंगे 1000 डिवाइड हमने मान लिया 100, 100 मीटर 100 मीटर
इंटू 10 मीटर चौड़ा, ठीक है, ये एरिया है। हमें 1 फिट मिट्टी इसमें देनी है, तो इस तरीके से हमें मेज़रमेंट बनानी होगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, अब मैं समझाता हूँ। हमने सपोज़ करा 1000 स्क्वायर मीटर वर्ग मीटर बनाने के लिए हमने 100 मीटर लंबाई ले ली और 10 मीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 स्क्वायर मीटर ही आएगा, और हमें 1 फिट मिट्टी देनी है, तो इसकी डेप्थ में क्या होगा, 0.3 की मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर हमें इसकी मिट्टी की क्वांटिटी, मतलब हमें मिट्टी की क्वांटिटी निकालने के लिए 1000 स्क्वायर मीटर में, या तो 1000 स्क्वायर मीटर को बनाने के लिए 1000 स्क्वायर मीटर में 1000 में 0.30 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 300 क्यूबिक मीटर आपकी मिट्टी आ जाएगी। या फिर इसमें मेज़रमेंट में फिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, 100 मीटर लंबाई देनी होगी और 10 मीटर की चौड़ाई देनी होगी, और 0.3 आपकी क्या हो जाएगी, मिट्टी की डेप्थ हो जाएगी। तो इस वजह से इसकी क्वांटिटी आ गई। उसके बाद ये वाला भी आइटम हमारा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमने इसमें खड़ंजा उखड़ाई नहीं दी है, तो इसको भी डिलीट कर देंगे। उसके बाद जीएसबी का आइटम आता है। जीएसबी का लैंग्वेज ऐसे लिखी हुई होगी और आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। इसे मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा आपको समझने के लिए। उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पर हमें ये सब डिलीट करना होगा, इतनी सारी मेज़रमेंट नहीं देनी हमें। तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ से 100 मीटर लंबाई उठानी होगी और इसकी चौड़ाई कितनी है हमारी, 10 मीटर। तो 10 मीटर उठाने के बाद हमें क्या करना है, 4 इंची की जीएसबी 0.1, अगर हमें 4 इंची की जीएसबी देनी हो तो 0.1 की मल्टीप्लाई करनी होगी 1000 स्क्वायर मीटर में, तो हमारा 100 क्यूबिक मीटर आपकी जीएसबी आ जाएगी। उसके बाद अगर हमें दोनों तरफ उसके रद्दे लगाने हैं या चिनाई करनी है तो आप उसको दे सकते हो, अदरवाइज़ नहीं भी दे सकते हो। तो हम इसको यहाँ पर 0 रखेंगे चिनाई को। अगर आपको जैसे दोनों तरफ चिनाई देनी होगी तो आपको क्या करना होगा, 2 × 100 × 0.23 के अगर आपको 2 रद्दे देने हैं तो 0.15, और 3 रद्दे देने होंगे तो 0.23 देनी होगी। इस तरीके से आपकी मल्टीप्लाई होकर ये क्वान्टिटी आ जाएगी, लेकिन अदरवाइज़ हम इसमें नहीं देंगे क्या, चिनाई। उसके बाद डायरेक्ट हमें क्या करना होगा, रेत बिछाकर हमें फिनिश करके हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इंटरलॉक लगानी होगी, ठीक है। तो इंटरलॉक की क्वांटिटी निकालने के लिए हमारी जो लंबाई है वो 100 मीटर है ही, और जो चौड़ाई हमारी 10 मीटर है, तो इसका ये एरिया कितना आ जाएगा, 1000 स्क्वायर मीटर एरिया आ जाएगा। उसके बाद हमारा प्लास्टर का कोई काम नहीं होगा, क्योंकि हमने चिनाई का कोई वर्क नहीं किया है। उसके बाद पीसीसी, हमें सिर्फ पीसीसी क्या करना होगा, 100 मीटर में दोनों तरफ 9 इंची या 6 इंची आप चौड़ाई में जो जॉइंट जो होंगे जॉइंट आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद कोई और नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसमें ना नाली है ना आपका कोई चिनाई है जिसके ऊपर आपको पीसीसी करनी होगी, बस जॉइंटों के आसपास आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। आप उसको अपनी मर्जी से 1-1 इंची का माल आप 1-1 इंची का पीसीसी 1-2-4 में दे सकते हो, ठीक है। ये टॉप ऑफ वॉल भी आप हटा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपका एस्टीमेट ये 1000 स्क्वायर मीटर का तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट पर। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट क्या कहती है हमारी, इसको हम जूम करके देख लेते हैं। ये जो डिसमेंटलिंग का कॉलम रो है इसको भी हटा देंगे हम, और लेइंग वाला भी हटा देंगे। उसके बाद हमारा ब्रिक वर्क 0 है ही, ये प्लास्टर, ये पीसीसी, ठीक है। तो इसके बाद ये मिट्टी है 1, 2, 3, ये ठीक कर लेंगे हम, 4, 5, 6, ठीक है, 6 आइटम है हमारे, 1 इसमें 0 है, ठीक है। ये हमारी मिट्टी का आइटम आ गया, इसमें 195 रुपये का क्या लगा हुआ है, हमारा रेट लगा हुआ मिट्टी का। उसके बाद ये हमने एनालिसिस करके ये रेट लगाया जीएसबी का 3223 रुपये। आप अपने जहाँ भी साइड होगी उसकी कार्टेज के अकॉर्डिंग आप एनालिसिस करोगे जीएसबी का रेट कितना आएगा, ठीक है। अगर एनालिसिस करनी नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं कमेंट को पढ़कर आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा एनालिसिस की, ठीक है। और उसके बाद टाइल का रेट आ गया, ये 750 रुपये है, अब थोड़ा बढ़ गया, तो हम इसको भी एनालिसिस करते हैं। इस ये भी शेड्यूल में कोई रेट नहीं है इसका, तो ये हम 776 लगाएंगे इसका रेट, ठीक है।
उसके बाद प्लास्टर का है 200 और पीसीसी का है 7050, ठीक है 7050 का पीसीसी का रेट है। अब ये हम देखेंगे टोटल करके ये सही आ रहा है या नहीं। ये सही आ रहा हमारा 11,62,000 रुपये का, 11,62,000 रुपये का 1,000 स्क्वायर मीटर का हमारा रेट बैठा है। उसके बाद हम इसमें जीएसटी जोड़ेंगे, 18% जीएसटी हो गई हमारी, 18% जीएसटी जोड़ने के बाद 13,71,000 रुपये का हमारा 1,000 स्क्वायर मीटर के इंटरलॉकिंग का एस्टीमेट बना है, जैसा कि आप देख सकते हो सारा। अगर कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो यहाँ तक तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करके जाना। अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को और हमारे और भी वीडियो बनी हुई हैं उनको शेयर करने की कोशिश करना, ठीक है। ओके बाय।